दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल कार दुनिया। दोस्तों आज मैं आपके सामने मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये है हुंडई एक्सटर के सीएनजी वेरिएंट्स कंपेयर करने जा रहा हूँ। हुंडई एक्सटर में दो वेरिएंट्स में सीएनजी आती है, एक इसके एस वेरिएंट में सीएनजी दी हुई है और एक इसके ऊपर वाले वेरिएंट यानी एस से ऊपर SX वेरिएंट में CNG मिल जाती है। दोनों गाड़ियों में तकरीबन 80,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। क्या क्या फीचर डिफरेंस है और क्या ये 80,000 रुपये जो प्राइस डिफरेंस है ये जस्टिफाई करता है SX वेरिएंट या नहीं, सब कुछ अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या फीचर डिफरेंसेज हैं। इस समय दोस्तों आप दोनों गाड़ियां फ्रंट से चेक कर रहे हैं और फ्रंट से अगर बात करेंगे तो देखिए दोनों गाड़ियों का अगर लुक देखिए तो एज सच बिल्कुल सिमिलर दिखता है, सिवाय एक चीज़ के, वो है इनके देखिए हेडलैम्प्स में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये है इस गाड़ी का एस वेरिएंट जिसमें हेडलैम्प्स जो हैं वो दे रखे हैं हैलोजन रिफ्लेक्टर्स, वहीं पर SX वेरिएंट के जो हेडलैम्प्स हैं इसमें आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर्स। हालाँकि दोनों ही गाड़ियों के जो हेडलैम्प्स हैं वो येलो कलर की लाइट यानी दोनों में ही हैलोजन बल्ब्स लगे हुए हैं, लेकिन प्रोजेक्टर्स लग जाने से SX वेरिएंट के हेडलैम्प्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी देते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट में अगर बात करते हैं तो सिर्फ यही एक डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में, इसके अलावा सभी कुछ बिल्कुल सिमिलर दिया हुआ है। दोस्तों बहुत ज़्यादा मैं कॉमन फीचर्स पे फोकस इसलिए नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने दोनों ही वेरिएंट्स के जो हैं वो इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं जिसमें डीपली मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, तो ये वीडियो पर मैं फोकस करूँगा ज़्यादातर डिफरेंसेस पे। तो फ्रंट में निकला इनके हेडलैम्प्स में डिफरेंस, साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और साइड में चेक करते हैं क्या क्या है डिफरेंसेस। इस समय देखिए आप साइड से चेक कर रहे हैं एस वेरिएंट और ये देखिए ये आप चेक कर रहे हैं इस गाड़ी का SX वेरिएंट। सबसे पहले आपको जो विजिबल चीज है वो दिखाता हूं। देखिए इन दोनों गाड़ियों का अगर आप रूफ पे ध्यान दीजिए तो ये गाड़ी थोड़ा सा यानी एस वेरिएंट थोड़ी सी नीचे लग रही होगी SX वेरिएंट से। उसके पीछे सिर्फ एक डिफरेंस है, अगर आप छत पे ध्यान दीजिए तो SX वेरिएंट की जो रूफ है इसमें आ जाती है ब्रिज टाइप रूफ रेल, ये देखिए हल्की सी उठी हुई रूफ रेल दी हुई है, वहीं पे एस वेरिएंट पे रूफ रेल्स नहीं दे रखी है। यानी अगर गाड़ी के आप अंदर बैठेंगे तो आपको स्पेस में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप एक्सटीरियर से फिजिकली चेक करिए तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स की वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची दिखाई देती है। इसके अलावा अगला डिफरेंस दिखेगा इन गाड़ियों के मिरर्स पे, ये देखिए इसमें इंडिकेटर्स जो हैं वो दे दिए हैं फेंडर्स पे और वहीं पे SX वेरिएंट पे इंडिकेटर्स जो हैं वो दे दिए हैं मिरर्स में, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। और इतने ही नहीं, इसके जो मिरर्स हैं उनको आपको मैनुअल ओपन क्लोज करना पड़ेगा, वहीं पे जो SX वेरिएंट के मिरर्स हैं ये बड़ा डिफरेंस है। इसमें देखिए ये इलेक्ट्रिकली यहाँ पर हम फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। और इतने ही नहीं दोस्तों, इसकी कीज़, हालांकि दोनों में ही रिमोट सेंटर लॉकिंग की जाती है तो कीज़ में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब हम गाड़ी को लॉक करेंगे उस वक्त भी इसके आउटसाइड मिरर्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे और अनलॉक के टाइम पे ये देखिए ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेटिक ओआरवीएम्स मिलते हैं और वहीं पे जो एस वेरिएंट है इसमें दे रखे हैं मैनुअल ओआरवीएम्स ओपन क्लोज में। एडजस्टमेंट हालांकि इसके एस वेरिएंट पे भी दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिकली जो है आप इसके ग्लासेस को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन खोलना बंद करना आपको हाथ से ही पड़ेगा। एक और बड़ा डिफरेंस दिखाते हैं, वो है इनके व्हील्स में, ये देखिए इसमें आपको फुल स्टील व्हील्स जिसके ऊपर सिल्वर कलर के व्हील कैप्स दिए हुए हैं। और इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइज़ पे 165/70 R14 इंच के ये व्हील्स मिलते हैं एस वेरिएंट पे। वहीं पे SX वेरिएंट के व्हील्स ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं क्योंकि ये डुअल टोन पे हैं और साथ में स्टाइल व्हील्स हैं, यानी यहाँ पे जो जितने भी देखे व्हील्स कैप्स के अंदर का हिस्सा है इसमें कहीं पे भी स्टील दिखाई नहीं देता है, तो एक तरीके से ये एलॉय का लुक देते हैं। डुअल टोन होने की वजह से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और बड़े भी हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको साइज़ भी फिजिकली समझ में आ रहा होगा देखने में कि साइज़ बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 175/65 R15 इंच ये 1 इंच बड़े व्हील्स दे रखे हैं। तो एस और SX CNG में दोस्तों ये भी एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, छोटे साइज़ के व्हील्स और बड़े साइज़ के खूबसूरत व्हील्स आपको मिलते हैं SX वेरिएंट पे। तो यहाँ पे जो भी साइड प्रोफाइल में मेजर डिफरेंस थे वो तो मैंने आपको बता दिए हैं, अब कुछ छोटे डिफरेंसेस और बताते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप इसका एस वेरिएंट चेक करेंगे तो उसका जो बी पिलर है और विंडो लाइनिंग है ये बॉडी कलर पे दी हुई है, वहीं पे SX वेरिएंट की जो बी पिलर है ये देखिए ये ब्लैक टेप आउट और विंडो लाइनिंग जो है वो ब्लैक कलर की दे रखी है, यानी ब्लैक टेप आउट की हुई है, तो इससे थोड़ा सा गाड़ी ये ज़्यादा स्पोर्टी लुक देने लगती है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर से जितने भी डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको चेक करा दिए हैं, आते हैं इन गाड़ियों के बैक साइड पे और बैक से आप चेक कर लीजिए दोनों का सबसे पहले तो एक लुक।
बैक में भी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। देखिए इसका जो एस वेरिएंट है इसमें पोल टाइप एंटीना दिया हुआ है, वहीं पे एसएक्स वेरिएंट पे मिलता है ब्लैक पियानो फिनिश में सार्फिन एंटीना। तो यहाँ पे रूफ रिल्स सार्फिन एंटीना इस गाड़ी की इस साइड की प्रोफाइल को देखिए ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं एस वेरिएंट से। अब यहाँ पे आप एस वेरिएंट चेक करिए, इस समय दोनों व्यू आपके सामने हैं और आप समझ सकते हैं एस और एसएक्स में क्या डिफरेंस दिख रहा है। एक और बड़ा डिफरेंस है कैमरे को लेकर, यहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 2 पॉइंट सेंसर्स दे रखे हैं। वहीं पे जो इसका एसएक्स वेरिएंट है इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आता है जिसके लेंस को यहाँ पे प्लेस किया है और साथ में सेंसर्स इसमें भी दे रखे हैं। एक और बड़ा डिफरेंस निकलेगा यहाँ पे देखिए, डिफॉगर्स नहीं है, वहीं पे एसएक्स वेरिएंट पे डिफॉगर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो आपने चेक किया फ्रंट साइड एंड बैक, कई सारे डिफरेंसेस दोस्तों एस और एसएक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें जैसे कि एलईडी टेल लैंप्स, एच सेफ की, ये दोनों में कॉमन दे रखी है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही वेरिएंट्स पे जो भी एक्सटीरियर डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। चलिए चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ और डिफरेंसेस दिखाते हैं। देखिए ये आप चेक कर रहे हैं इस समय एस वेरिएंट को, देख लीजिए इस गाड़ी का कंप्लीट एक व्यू दिखा देता हूँ। कीज़ दोनों की बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में ही लॉक अनलॉक और बूट ओपनर का बटन है, रिमोट सेंटर लॉकिंग की आती है, दोनों में ही एक मैनुअल की दे रखी है, तो कीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इंटीरियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो दोस्तों दोनों ही मैंने रेंजर खाकी कलर की गाड़ी ली हुई है, एक्सटीरियर कलर के हिसाब से इंटीरियर कलर इस गाड़ी का चेंज होता है। तो यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर थीम्स बिल्कुल आपको सेम दिखेंगे क्योंकि दोनों का एक्सटीरियर कलर जो है रेंजर खाकी मैंने चूज़ किया है। चलिए अब बात करते हैं, सीधे हम आते हैं फटाफट डिफरेंसेस की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हम इसका फैब्रिक चेक करिए, सीटें चेक करिए, इसमें यहाँ तो फैब्रिक मटेरियल है और साइड में भी देखिए सब फैब्रिक मटेरियल दिया हुआ है। फटाफट मैं फोकस उन्हीं चीज़ों पे करूँगा जो मेनली डिफरेंसेस निकलेंगे। बैक सेटिंग्स चेक करा देता हूँ, तो ये देख लीजिए और एक झलक आप यहाँ पे नज़र डाल दीजिए, ऊपर साइड देख लीजिए। तो ये है इस गाड़ी का एस वेरियंट। इसके बाद हम फटाफट आपको क्विकली पहले एस वेरिएंट का पूरा ओवरव्यू दे देते हैं, फिर चलेंगे एसएक्स वेरिएंट की तरफ, तो आपको अच्छे से सारे डिफरेंसेस दिखाई दे जाएंगे। चलिए पहले मैं ज़रा इग्निशन को ऑन करके आपको एक झलक दिखाता हूँ एक्स्टर सीएनजी के बेस वेरिएंट। तो दोस्तों ये इसका सीएनजी का बेस वेरिएंट है क्योंकि इसके नीचे जो वेरिएंट आता है उसमें सीएनजी नहीं दे रखी है, वो सिर्फ पेट्रोल पे दिया हुआ है। फटाफट आप एक झलक देख लीजिए, दोनों गाड़ियों में एज अ सेफ्टी कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों पे व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट कंट्रोल दे रखा है। दोनों ही वेरिएंट्स पे 6 एयर बैग्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हुंडई ने सेफ्टी को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है दोनों ही वेरिएंट्स पे। दोनों पे डिजिटल मीटर दे रखा है जिसमें कई सारी इन्फॉर्मेशंस आती हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी हाईलाइन टाइप दोनों पे दिया हुआ है। अच्छी चीज़ दोस्तों ये है कि इसके एस वेरिएंट में भी 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप इसके म्यूजिक सिस्टम पे नेविगेशन चला सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक जो मैंने आपको बैक साइड पे दिखाया था, इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इसका बैक गियर लगाऊंगा सिर्फ सेंसर्स की बीप आ रही है जिसका डिस्प्ले यहाँ पे मीटर पे दिया हुआ है और रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको एक्स्टर के एस वेरिएंट सीएनजी पे नहीं मिलता है। इवन यहाँ पे गियर नॉब लीवर को भी ध्यान देख लीजिए, ये क्रोम फिनिश पे नहीं, एक नॉर्मल लीवर इसमें दे रखा है। इसके अलावा स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह आप इसमें चेक कर सकते हैं। एसी दोस्तों एक्स्टर के एस वेरिएंट पे जो है मैनुअल आता है। मैं नॉर्मली उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ दोस्तों जिस पे डिफरेंसेस निकलेंगे। बॉक्स यहाँ पे चेक करा देता हूँ, नॉन कूलिंग वाला बॉक्स इसमें भी दिया हुआ है और इस साइड पे चेक कर लीजिए, इधर देखिए आगे कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं दे रखी हैं। इस गाड़ी पे सिर्फ एक अकेली लाइट है जो कि सेंटर पे यहाँ पे है, यही लाइट से पूरे केबिन पे जो है रोशनी आएगी, इसमें आगे लाइट वगैरह नहीं मिलेगी। इसके अलावा इस साइड पे वैनिटी वगैरह तो है ही है, इधर टिकट होल्डर दिया हुआ है। तो दोस्तों एक झलक मैंने आपको क्विकली दिखा दी है हुंडई एक्स्टर के एस वेरिएंट की। अब आपको अच्छे से डिफरेंसेस समझ में आएंगे जब हम चलेंगे इसके एसएक्स वेरिएंट को दिखाने। चलिए अब एसएक्स वेरिएंट जो कि सीएनजी का टॉप मोस्ट वेरिएंट है क्योंकि इसके ऊपर के जो भी वेरिएंट्स आते हैं दोस्तों वो सीएनजी पे नहीं दिए हैं, उसमें सिर्फ पेट्रोल आता है। तो यहाँ पे सीएनजी पे दो ही वेरिएंट है, बेस आपने चेक किया है, अब आप चेक कर रहे हैं इसका एसएक्स
CNG वेरिएंट। ये देखिए ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंसेस समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों पे जो ये वाला पैनल दे रखा है, जैसे कि डिजिटल मीटर, म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, ये कॉमन दिए हुए हैं। तो इस वजह से एक झलक आपको इन दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सिमिलर दिखती है। दोनों में ही चारों पावर विंडोज़ भी आते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है फटाफट वो बताता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इसकी सीटों पर। ये देखिए ये चीज़ अगर देखेंगे तो दोस्तों ये दोनों में कॉमन फैब्रिक यूज़ की गई है, लेकिन साइड पे अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे लेदराइट मटेरियल का यूज़ देखने को मिलता है। तो ये सेमी लेदराइट सीटिंग्स आपको मिल जाती हैं SX वेरिएंट पे। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट दोस्तों हुंडई एक्सटर पे स्टैंडर्ड है, सभी वेरियंट्स पर दी हुई है। तो यहाँ पर सीटिंग का डिफरेंस दिखा है। इसके अलावा जब हम इसके बैक साइड पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा, वो है यहाँ पर आइसोफिक्स सीट्स का। चेक करते हैं कहाँ पे मार्किंग है। ये देखिए यहाँ पे दी हुई है, ये देख लीजिए। ये आइसोफिक्स यानी चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने का प्रोविज़न जो है दोस्तों वो सिर्फ SX वेरिएंट में मिलता है, S वेरिएंट पे ये भी नहीं दे रखा है। इसके अलावा जो भी और चीज़ें हैं, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ऊपर साइड चेक कर लीजिए, ग्रिप्स, पीछे रियर AC वेंट, चार्जिंग पॉइंट्स, ये सब आपको S वेरिएंट पे भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बैक सीटिंग पे सिर्फ एक डिफरेंस है और बाकी लेदर का डिफरेंस यहाँ पे चेक करा दिया। सीटें सेमी लेदराइट दी हुई हैं। अब आते हैं और डिफरेंसेस की तरफ, और इस समय मैं बैठा हूं इस गाड़ी के SX वेरिएंट। चलिए अब बात करते हैं यहां पे। देखिए सेफ्टीज़ तो मैंने आपको बताई दी, दोनों पे ही एयर बैग्स, स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल के फीचर्स दे रखे हैं। म्यूजिक सिस्टम भी दोनों पे बिल्कुल सिमिलर है, फीचर्स वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम 8 इंच एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाला सिस्टम इसमें भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब हम इसके गियर नॉब पर ध्यान देंगे तो देखिए पहली चीज़ तो इसका गियर लीवर खूबसूरत दिया हुआ है, क्योंकि ग्लास टॉप क्रोम इंसर्ट्स के साथ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और उसमें जैसे मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा, सबसे बड़ा देखिए प्लस पॉइंट इसमें आपको मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो कि मिसिंग है S वेरिएंट पे, विद गाइडलाइंस है। हालांकि दोस्तों ये गाइडलाइंस स्टैटिक है, यानी ये मूव नहीं करती हैं स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ, ये जो है फिक्स रहती हैं, लेकिन आपको आइडिया दे देंगी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेड लाइन के पास आ गया है तो रोक दीजिए, वरना गाड़ी पीछे से भिड़ जाएगी। तो ये फ़ायदा है, इसमें कैमरा मिल जाता है। इसके अलावा और डिफरेंसेस की बात करते हैं तो एक और बड़ा डिफरेंस दिखाते हैं, वो है इसमें ऑटोमेटिक AC का, यानी इसमें बस आपको टेम्परेचर को सेट करना है, ऑटो मोड पे कर दीजिए, ये टेम्परेचर ऑटोमेटिकली केबिन पे मेंटेन रखेगा। तो ऑटोमेटिक AC प्रीमियम फीचर है, कवर करता है इसका SX वेरिएंट। फर्दर और चीज़ें देखते हैं तो इधर हालांकि और कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अब एक और बड़ा डिफरेंस, पहली चीज़ तो इसमें आगे भी यहाँ पे मैप लाइट दे रखी है, और पीछे उसमें भी है, और पीछे इसमें भी दी हुई है। एक और बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जिससे SX वेरिएंट ज़्यादा पॉपुलर है S वेरिएंट से दोस्तों, इसमें आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिक सनरूफ। ये देखिए यहाँ पे सनरूफ मिल जाती है हुंडई एक्सटर के, चाहे आप पेट्रोल लीजिए या CNG लीजिए, SX वेरिएंट से ही सनरूफ स्टार्ट होती है। तो SX CNG भी दोस्तों इसी वजह से ज़्यादा फेमस हो गया है, क्योंकि इसमें सनरूफ दी हुई है। तो ये बेस्ट कह लीजिए या फिर फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर कह लीजिए कि इस सेगमेंट में पहली बार इलेक्ट्रिक सनरूफ आई है। तो ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। चलिए अब एक बार आपको बॉक्स भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इनमें दोनों ही वेरिएंट्स पे कूल ग्लो बॉक्स नहीं दिया हुआ है। एक और फीचर का डिफरेंस है जो कि इसके स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट को लेकर है। ये देखिए इसका स्टेयरिंग टिल्ट पोजिशन पर इसे हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने कम्फर्ट लेवल के अकॉर्डिंग आप जो है स्टेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है इस गाड़ी के S वेरिएंट पे। तो यहाँ पे दोस्तों हुंडई एक्सटर के S और SX CNG में क्या क्या डिफरेंसेज है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। दोनों ही गाड़ियों में लगभग 80,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, जस्टिफाई करता है कि नहीं SX वेरिएंट, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, जरा हम इसकी डिटेल में प्राइसिंग्स को बता देते हैं। तो देखिए दोनों ही वेरिएंट्स के जो है प्राइसेस ये आपके सामने हैं। X शोरूम कॉस्ट SCNG का है 8,23,990 रुपीज़, और SX CNG का है 8,96,990 रुपीज़। यहाँ पे X शोरूम पे डिफरेंस है 73,000 रुपीज़ का। वहीं पर अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो S वेरियंट का है 9,50,888 रुपीज़, और SX का है 10,32,454 रुपीज़। यहाँ पे दोस्तों ऑन रोड
रुपये डिफरेंस आ रहा है 81,566 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस पर दोस्तों मैंने सिर्फ कंपलसरी चार्जेस जैसे कि एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, RTO और 12,000 रुपीज की बेसिक एसेसरीज ऐड करी है। यहाँ पे इस ऑन रोड प्राइस में मे भी हो सकता है आपके सिटी पे वेरिएशन हो, लेकिन अगर आप S और SX को कंपेयर करेंगे ऑन रोड से आप अपनी सिटी में भी, तो भी तकरीबन 80,000 से 81,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे 80,000 रुपए के प्राइस डिफरेंस पे बात करते हैं तो डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं। देखिए दोनों ही गाड़ियां जो हैं वो सेम इंजन से रन होती हैं, दोनों पे ही सेम माइलेज मिलता है, दोनों पे सेम ड्राइविंग प्लेजर है, फर्क आता है फीचर्स को लेकर। अब देखिए एस वेरिएंट इसका बहुत ज्यादा बेसिक वेरिएंट भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एस वेरिएंट भी काफी सारे फीचर्स कवर कर लेता है। एक्सटीरियर प्रोफाइल में जरूर आपको थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा दिखेगा क्योंकि रूफ रेल्स नहीं है, व्हील्स का साइज छोटा दिया हुआ है, लेकिन जब इंटीरियर प्रोफाइल देखेंगे तो इसमें भी आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल सबसे बेस्ट पार्ट जो है, हालांकि एक्सटर का मैं बेस्ट पार्ट कह सकता हूं क्योंकि जो है एक्सटर पे सभी वेरिएंट्स पे 6 एयरबैग्स दिए हुए हैं, और एस सीएनजी पे जो है वो व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, रियर एसी वेंट, डिजिटल मीटर आपको इसमें मिलेगा। हालांकि छोटा सा ड्रॉबैक भी इसमें दिखेगा, इसके जो आउटसाइड मिरर्स हैं उनको ओपन क्लोज जो है वो आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। वहीं पे 80,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके आप चले जाते हैं SX वेरिएंट की तरफ, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं दोस्तों, बहुत सारे बड़े बड़े फीचर डिफरेंसेस आपको मिलते हैं SX वेरिएंट पे। देखिए एक्सटीरियर प्रोफाइल रूफ रेल्स लग जाने से, प्रोजेक्टर हेडलैम्प से और शार्कफिन एंटीने से कई हद तक बदल जाता है। इवन जब 15 इंची के इस पे व्हील्स लगे हैं जो कि डुअल टोन स्टाइलिश व्हील कैप्स के साथ दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कह लीजिए ये गाड़ी थोड़ी सी ऊंची, बड़ी और कह लीजिए ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। इवन जब हम गाड़ी के अंदर चेक करेंगे तो इसमें भी काफी बड़े बड़े डिफरेंसेस दे रखे हैं। ऑटोमेटिक AC इसमें दिया हुआ है, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम तो हालांकि दोनों ही वेरिएंट्स में दे रखा है, लेकिन इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है जो कि काफी मदद करता है जब हम गाड़ी को रिवर्स करते हैं, बैक करते हैं। जो एस वेरिएंट का ड्रॉबैक है इसमें आपको वो नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो आउटसाइड मिरर्स हैं वो इलेक्ट्रिक फोल्डिंग के साथ साथ दोस्तों ऑटोमेटिक भी दे रखे हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक के टाइम पे भी ये क्लोज और ओपन हो जाते हैं। साथ में सबसे बड़ा डिफरेंस SX वेरिएंट में जो है वो इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाती है, जो कि लोगों को काफी पसंद आती है, और ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर भी है क्योंकि इस सेगमेंट की किसी और मार्केट की गाड़ी में दोस्तों आपको सनरूफ नहीं मिलती है। तो यहाँ पे CNG वेरिएंट पे एक छोटी SUV है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस है और साथ में सनरूफ भी दे रखी है। तो ये कुछ ऐसे बड़े बड़े डिफरेंसेस है दोस्तों जिसके लिए आप 80,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करते हैं। अब बात आती है कि क्या ये 80,000 रुपीज इन सारे फीचर्स के लिए जस्टिफाई होते हैं या नहीं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि ये जो भी चीजें आपको SX वेरिएंट में मिल रही हैं ये आप बाद में आफ्टर मार्केट जल्दी नहीं लगवा सकते हैं, या फिर कह लीजिए लगवा ही नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए, अगर आपको एक बिल्कुल बेसिक गाड़ी चाहिए, बेसिक तो नहीं कह सकते S वेरिएंट को क्योंकि उसमें भी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल मीटर जैसे कई फीचर्स दे रखे हैं, तो यहां पे देखिए अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है, यानी आप 80,000 रुपीज और बढ़ाना नहीं चाहते हैं और S वेरिएंट आपकी पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो आप S वेरिएंट परचेज करिए। वहीं पे अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा के 80,000 रुपीज पे आप एक्स्ट्रा पे करके SX वेरिएंट ले लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। तो यानी कह लीजिए मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है इन दोनों में SX है। बाकी देखिए पूरा वीडियो आपने चेक किया है, आप बताइए यहाँ पे फीचर्स प्राइस को देखते हुए आप कौन सा वेरिएंट परचेज करेंगे, हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा। साथ में हमारे ये एफर्ट दो वेरिएंट्स को कंपेयर कराना दोस्तों अगर आपको डिसीजन लेने में मदद करता है, तो इस बार जाने से पहले कार दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।